कम्युनिकेशन में दो ही चीज़ें हैं ना जो बहुत ख़राब हैं। हम समझते हैं सिर्फ एक चीज़ है, वॉयलेंट होना। साइलेंट होना भी उतना ही ख़तरनाक है और कुछ केसेस में वॉयलेंट होने से ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी ये दो काम ही नहीं हमने करने। कुछ केसेस में साइलेंट ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि इसमें दो लोग सफ़र करते हैं, एक तो सामने वाला बंदा जिस पर आप कभी फिर डिस्प्लेस करेंगे अपनी इन सारी चीज़ों को, और आप ख़ुद तो हो ही रहे हैं साथ साथ, तो रखनी भी नहीं है दिल में। आप उनसे बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन को अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो आपको पता चलेगा कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पर आप बात ना कर सकते हो। हम अक्सर ऐसे स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं ना कि नहीं, इस पर नहीं बात की जा सकती, या इस पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या बहुत दफ़ा करके देखी है तो कुछ नहीं असर निकला। कोई टॉपिक, मैं बड़े कॉन्फिडेंट होकर ये चीज़ कह रही हूँ कि लिटरेचर भरा पड़ा है इस चीज़ पर, आप हर चीज़ पर बात कर सकते हैं। आप कितना भी नेगेटिव फील कर रहे हो, आप कितना भी प्रोवोक्ड फील कर रहे हो, एजिटेटेड फील कर रहे हो, आप फिर भी उस चीज़ पर बात कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आपका माइंडसेट सॉल्यूशन ओरिएंटेड है तो, कि मुझे हल की तरफ जाना है, मुझे फंसना नहीं है वापस इस साइकिल में। माइंडसेट समझते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्या होता है? एक माइंडसेट होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड, यानी प्रॉब्लम के इर्द गिर्द घूमते रहना कि ऐसा हुआ ही क्यों, क्यों सिगरेट पिया, पिया ही क्यों आपने सिगरेट, या इस तरह की चीज़। हम इस चीज़ को पकड़ कर बैठ जाएं बिल्कुल, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच होगी कि हम प्रॉब्लम के इर्द गिर्द, हालांकि सोल्यूशन ये होगा कि अगर आपने पिया है तो अब हमने क्या करना है। ओपन माइंडेडनेस सीनर्जी से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। आपको एक दूसरे के आइडियाज़, एक दूसरे के बिलीफ सिस्टम को ज़रा सपोर्ट, या आप रूम देते हैं किसी को कोई राय रखने का। आज फीड पी कर आया नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिबाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।